Today, we have with us Dr. Priyanka Prakash to talk about urticaria. Doctor, what are hives? So, basically, hives ko hum log urticaria bhi bolte hain English mein. Aur ye normally aise mosquito bites ki tarah dikhte hain. Inko dhapad bhi bolte hain Hindi mein. And they are generally transient. Matlab aate hain, jaate hain. And it can be categorized into acute and chronic urticaria. And there is also one emergency condition called anaphylaxis. So, iske kai part hote hain. जिसमें ये हाइव्स के अलावा आईज एंड लिप्स भी सोलन हो जाती है एंड ब्रेथलेसनेस भी होता है. दैट इज कॉल्ड एनाफिलैक्सिस. डॉक्टर, व्हाट कॉजेस हाइव्स? ओके, सो हाइव्स के जो मेन रीजन, बहुत ही कॉमन रीजन है इंसेक्ट बाइट, जो मतलब वो कभी भी किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में. एंड उसमें पूरे बॉडी में हाइव्स आ जाते हैं एंड धापड़ आ जाते हैं. द सेकेंड कॉमन रीजन इज फूड रिलेटेड एलर्जी, जिसमें जैसे आपने कुछ नई चीज ट्राई करी हो कभी, जैसे नॉन वेज वगैरह या सी फूड से जनरली देखा गया है, मशरूम खाने की वजह से, पीनट एलर्जीज पे भी होता है. ठीक है, एंड थर्ड कॉमन कॉज ऑफ हाइव इज एनी काइंड ऑफ, जैसे कोई दवाई आपने किसी चीज की ली हो, जैसे माइग्रेन की ले ली है, या कोई एंटीबायोटिक आपको सूट नहीं करी, उसके बाद भी यू कैन गेट हाइव. एंड ऑल्सो अगर कोई फोकस ऑफ इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, जैसे कोई फीवर के साथ में आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ साथ में पेट में या थ्रोट में, जैसे कोविड में भी दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स, जैसे अर्टिकुलर रैश आते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज, जैसे कुछ पुरानी एक्सपायरी क्रीम्स वगैरह पड़ी है या किसी क्रीम को लगाने से भी यू कैन रिएक्ट. सो देयर आर वेरी कॉमन. डॉक्टर, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइव्स? ओके, तो सिम्टम्स बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हाइव्स बेसिकली मस्किटो बाइट जैसे दाने जैसे दिखते हैं, धापड़ जिनको हम बोलते हैं, एंड वो आते जाते रहते हैं, डिसअपीयरिंग रैश. और कई बार क्या होता है, सिट्रिजिन की गोली, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, या सिट्रिजिन की गोली हम लोग लेते हैं, वो चली भी जाते हैं एंड देन दे कम बैक अगेन. तो दीज आर बेसिकली हाइव्स. एंड हाइव्स के एक और एडिशनल सिम्टम होता है जो, जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है आईज एंड लिप्स के आसपास, एंड कई बार वो अंदर भी चली जाती है एंड इट गिव्स यू ब्रेथलेसनेस. सो इट इज कॉल्ड एनाफिलैक्सिस. सो इट इज अ पार्ट ऑफ हाइव्स ओनली. दैट इज आल्सो सिम्टम ऑफ वन ऑफ द आर्टिकुलर रिएक्शन. डॉक्टर, हाउ आर हाइव्स डायग्नोस्ड? जैसे कि मैंने बताया कि जैसे रीजंस है उसके बेसिस पे ही हम लोग हाइव्स को डायग्नोज करते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री बेसिकली. तो इसमें पूछना बहुत जरूरी होता है कि उन्होंने, पेशेंट ने कुछ नया ट्राई किया, कुछ खाने में कुछ नया लिया या मंगा के बाहर तक. जनरली आउटसाइड फूड की वजह से भी एलर्जीज बहुत कॉमन होती है आजकल, जैसे चाइनीज वगैरह या जंक फूड, क्योंकि उसमें मिर्ची वगैरह फूड कलर